कालाडूंगी के पवलगढ़ में गौमूत्र से लोग इलाज करवा रहे हैं, वहीं गौमूत्र से कैंसर से जूझ रहे मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। मरीजों के परिजनों ने बताया कि हम वैद्य प्रदीप भंडारी के आश्रम पहुंचकर गौमूत्र का उपयोग कर स्वस्थ हो रहे हैं। आप तो हम लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने जब दवाई दी तो धीरे धीरे जब ये आए थे यहाँ पे तो इनका मुंह बिल्कुल पीला वगैरह पड़ा हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन जब से हम यहाँ पे आए तब से मतलब इनकी हालत में बहुत सुधार। ये विजय यहाँ जितने भी लोगों को रिजल्ट्स मिल रहा है, ये सर्वप्रथम गौ माता की विजय है और उन संत ऋषि मुनियों की विजय है जिन्होंने आयुर्वेद का परचम कभी फहराया था, जिनकी वजह से आज हम लोग कुछ चीज़ों को जानकर लोगों के सामने हैं। और हमारे गुरुजी हैं प्रदीप भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ पे चले। और मेरे पिताजी अब काफ़ी अच्छी स्थिति में, और उनका जगत राम जोशी जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पर आए हैं पावलगढ़ में। उन गौमूत्र क्रांति उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, यहाँ पे आए अगर वो आएँ तो उनको यहाँ पे आके शर्तिया उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पे आते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया और मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे मरीजों से मिला हूँ जो बिल्कुल अपनी होप बिल्कुल खो चुके थे और आज बिल्कुल स्वस्थ।